क्लास टेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो मेरे को ये दो एपी गिवन है, मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे को एपी क्या गिवन है, 7, 13, 19 ऐसे करके 205 ये एपी गिवन है। तो अगर मैं इसमें आपसे फर्स्ट टर्म पूछूं ए क्या है 7 एंड डी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 13 माइनस 7 तो क्या बन गया 6। नाउ एज वी नो दैट ए एन दैट इज nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये होता है। अब इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे को a पता है d पता है, अब मेरे को ये nth टर्म भी पता है 205 तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स से 205 इज द nth टर्म मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना। तो अगर मैं इसको nth टर्म मान रहा हूं तो मेरे को बेसिकली अब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 205 इज इक्वल टू ए क्या था 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 6 ये आएगा। तो यहां से एन माइनस वन इंटू 6 विल बी 198 ये बनेगा। तो 6 3 18 6 3 18 तो यहां से हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई 34। तो मैं क्या बोलूंगा इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34। देयर फोर देयर आर 34 टर्म्स इन एपी इन गिवन एपी ठीक है। इस एपी के अंदर 34 टर्म्स है। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एपी क्या गिवन है 18 15 1/2 13 ऐसे करके गिवन है। लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है -47 ठीक है। तो नाउ ए फर्स्ट टर्म क्या होगा इस एपी के लिए 18, डी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 15 is to 1 by 2 minus 18 तो ये क्या बन रहा है 31 by 2 minus 18 ये बनेगा। तो ये क्या बना 31 minus 36 by 2 तो दैट इज -5/2 ये बना डी ठीक है। नाउ अब मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो मैंने इस वाली टर्म लास्ट टर्म को मैंने nth टर्म मान लिया। नाउ लेट्स से -47 इज द nth टर्म तो मैं बोल सकता हूं -47 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी बोल सकते हैं। अब मेरे को ए पता है ए कितना है 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी कितना है -5/2 ये कितना था -47 तो यहां से हमारे पास क्या आया एन माइनस वन इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 - 18 ये बनेगा। तो -47 एंड -18 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -65 के इक्वल आ जाएगा ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ एन माइनस वन किसके इक्वल आ गया देखो ये माइनस से माइनस तो कट गया तो 65 into 2 130 divide by 5 ये आ गया। तो और ये कितना किसके इक्वल है 26 के इक्वल तो यहां से एन की वैल्यू क्या आ गई 27। तो इस सेकेंड वाले एपी में मैं क्या बोल सकता हूँ कितनी टर्म्स है 27 टर्म्स है। देयरफोर गिवन एपी has 27 टर्म ठीक है।